वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हो चुकी है। कब स्टार्ट हुई है दोस्तों? ये स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2024 को। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल को जो है इसराइल ने ईरान के दूतावास जो कि सीरिया में था उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया था, जिसमें तकरीबन 16 से ज़्यादा लोग ईरान के मारे गए थे। उसके जवाब में अभी 4 दिन पहले ही ईरान ने इसराइल के ऊपर 313 रॉकेट्स और मिसाइल से हमला किया। इसराइल का जो डोम सिस्टम है उसने तकरीबन 300 के करीब जो है वो मिसाइल्स और रॉकेट को हवा में ही नेस्ता नाबूद कर दिया, बट 13 जो रॉकेट्स और मिसाइल्स थी वो माफ़ कीजिएगा, इसराइल में जाके फटी। तो दोस्तों यहीं से 1 अप्रैल से ही जो है वो वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत हो चुकी है। अब कैसे हुई है दोस्तों शुरुआत और कौन कौन सा देश इसमें शामिल होगा ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों कि इसराइल जो है वो रिटेलिएट करने की यानी कि वापसी हमला करने की तैयारी कर रहा है, बट अभी तक उसको अमेरिका रोके हुए है। अमेरिका उसको क्लियरली कह रहा है कि अगर आप ईरान पर अटैक करेंगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। पर दोस्तों एक्चुअल में बात क्या है कि जो यूएसए है यानी कि अमेरिका है, यही जो है पीछे से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो ईरान की गैस के ऊपर है। दोस्तों अगले आने वाले 10 से 15 मैक्सिमम 20 सालों में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो मिडल ईस्ट के जितने भी जहाँ से पेट्रोल मिलता है मैक्सिमम 20 सालों में पेट्रोल जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ईरान के पास है सबसे बड़ा गैस का भंडार। अब अमेरिका जो है वो डायरेक्ट अटैक ना करके इसराइल के थ्रू जो है वो अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, और वो दिखावा तो ये कर रहा है कि अगर इसराइल अटैक करता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों इसराइल जैसा कि वो देश है वो हर हालत में रिटेलिएट करेगा। वो ईरान के ऊपर अपनी मिसाइल्स और अपने रॉकेट्स छोड़ेगा और उसके बाद ये युद्ध पूरी तरीके से फुल फ्लैज जो है चालू हो जाएगा। ईरान की सपोर्ट में कौन कौन रहेगा दोस्तों? ईरान की सपोर्ट में आएंगे रशिया, जिसका कि ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है। और कौन आएगा उसके साथ? उसके साथ आएगा चाइना। और कौन आएगा? उसके साथ शामिल होगा नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, और पीछे से सपोर्ट करने वाले कौन होंगे? पीछे से सपोर्ट करने वाले होंगे दोस्तों सारी गल्फ कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, पीछे से वो ज़रूर सपोर्ट करेंगी, सामने खुल के नहीं आएंगी, लेकिन पीछे से वो 100% ईरान के साथ खड़ी रहेंगी। अच्छा, इसराइल की साइड कौन कौन आएगा दोस्तों? इसराइल की साइड आएगा अपना यूएसए यानी कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी जितने भी नेटो के देश हैं दोस्तों, वो सब आएंगे अपने इसराइल के साथ। बहुत ही तगड़ा युद्ध होगा दोस्तों, ये बहुत बहुत जानों का नुकसान होगा। टोटल ये युद्ध जो है 3.5 साल चलेगा। हालांकि इसमें आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो कि हमेशा से थर्ड कंट्री रहा है वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा इनिशियली। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में इंडिया शामिल नहीं होगा। 2.5 साल के करीब तक वो इस युद्ध से अपनी दूरी बना के रखेगा। 2026 के एंड में, ये मान लीजिए 2026 अक्टूबर के करीब जाके जो है इंडिया इस युद्ध में शामिल होगा। वो भी इसलिए होगा क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई देश अटैक करेगा। कौन सा देश होगा दोस्तों? नो प्राइस फॉर गेसिंग, वो देश चाइना ही होगा जो 2026 के एंड में भारत के ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद दोस्तों 6 महीने और ये युद्ध चलेगा, और तब जाके जो है 2027 के मान लीजिए अप्रैल में और यू कैन से जून में जाके जो है ये युद्ध की समाप्ति होगी। अब चिंता करने की आपको बात नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं मैं उनको बताता चलूं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू हो चुका है तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से करके रखनी है। जो स्पेशली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों कमोडिटी के रेट बेतहाशा बढ़ेंगे, बहुत
तेज़ी से रेट बढ़ेंगे, चाहे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, या प्रीशियस मेटल हो गए यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उनके रेट भी तेज़ी से बढ़ेंगे। 3 साढ़े 3 सालों का मेरा दोस्तों गोल्ड का टारगेट है तकरीबन 1,40,000 या 1,50,000 रुपये, उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट इतना तो जाएगा ही जाएगा। और सिल्वर जो है दोस्तों वो भी तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 लाख टच कर जाएगा पर केजी। इंडिया वालों को दोस्तों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो 2026 के एंड में शामिल होगा इस युद्ध में, वो भी ज़बरदस्ती धकेला जाएगा क्योंकि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। तो दोस्तों हमें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है बट सावधानी रखने की ज़रूरत है। और कमोडिटी के प्राइस पे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कमोडिटी के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी कोई किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, इंडिया के का अभी बाल भी बांका नहीं होगा, इंडिया इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों आप ये मेरा वीडियो सेव करके रख लीजिए क्योंकि जब ये युद्ध बिल्कुल शुरू हो चुका होगा, जब फॉर्मली अनाउंस हो चुका होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया है, तब आप लोग ये पलट कर दोबारा वीडियो ढूंढेंगे और तब शायद आपको ये वीडियो ना मिले। इसीलिए इस वीडियो को पहले से ही आप सेव करके रख लीजिए, 4 से 6 महीने बाद आप ये वीडियो दोबारा ज़रूर देखने आएंगे दोस्तों। और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अमेरिका कब शामिल हुआ, ईरान की तरफ से कौन शामिल हुआ, कैसे कैसे शामिल हुआ, इंडिया कब शामिल हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर सेव करके रखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, आपका इस बारे में क्या कहना है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, विदेशों में भी ये वीडियो जानी चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा सा वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकें कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है ये ना हो। तो दोस्तों अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और ईरान से भी मैं जो है वो गुजारिश करना चाहता हूँ कि भैया युद्ध मत लड़, तेरे गैस के पीछे पड़ा हुआ है यूएसए, पेट्रोल 20 सालों में ख़त्म होने वाला है लेकिन तेरी गैस कम से कम जो है वो 2100 शताब्दी तक चलेगी, यानी कि अभी भी 70, 75, 80 साल चलेगी, वो अमेरिका के हवाले मत होने दो। कृपा करके इस युद्ध से दूर रहें, किसी के उकसावे में ना आए, ईरान स्पेशली आपको कह रहा हूँ मैं, किसी के भी उकसावे में, अमेरिका के उकसावे में, रशिया के उकसावे में, चाइना के उकसावे में मत आओ, अपने देश में अपने देश की तरक्की के को लेके काम करो, किसी के बहकावे में मत आओ और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में मत उलझाओ। चलिए दोस्तों अभी के लिए वीडियो इतना ही, जैसा कि मैंने कहा इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सेव ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे वीडियोस में बनाकर आपको भेजता रहूँगा। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।